ऑफकोर्स 0 degree तो होना ही चाहिए बिकॉज आइस है. वेलकम बैक गाइज. एज यूजुअल ईयरली एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट फॉर द प्रीमियम स्मार्टफोन्स. सो क्या इस साल के लेटेस्ट S22 अल्ट्रा पे भरोसा किया जा सकता है? और ये लास्ट 12 आवर से एग्जैक्टली फ्रीज है. कहाँ गई रामपुरी? क्या ये करने में मुझे बहुत मजा आता है. अगर आपने बचपन में बर्फ के गोले खाए ना, वो जो घिस घिस के उस पर कलरफुल ऑरेंज और रेड वो लगा के, उसको गोला बोलते थे. फर्स्ट एक्सट्रीम टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिया. अब सेकेंड हमें क्या करना है, इस फ़ोन को इस कंटेनर में रखना है. यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 लीटर से प्लस वाटर है एंड काफ़ी हाई प्रेशर यहाँ पे होगा. ओके, सो यहाँ पे हम फ़ोन को रखेंगे फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट. टाइमर भी स्टार्ट हो गया है. चलिए फ़ोन को हम धीरे से यहाँ पे रख देते हैं. अपने आप आइस भी आई बिलीव 5 मिनट्स में तो मेल्ट हो जाना चाहिए. ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में ही मेल्ट जाना चाहिए. थोड़ा सा धीरे से रखना है बिकॉज कांच है ना, काफ़ी भारी है. वाओ, गुड. लेट्स सी अब क्या होता है आफ्टर 30 मिनट्स. एक कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है, क्या स्टाइलस IP68 है कि नहीं? वैसे ऑफिशियली सैमसंग कुछ कहती तो नहीं है, स्टिल लेट्स सी क्या सैमसंग किस लेटेस्ट फ़ोन के स्टाइलस में क्या कुछ प्रॉब्लम आती कि नहीं आती है. ऑलमोस्ट 19 मिनट्स हो चुके हैं. कुछ वाटर बबल्स भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, नॉट श्योर कहाँ से आए हैं. 30 मिनट्स से ज़्यादा ही हो गए हैं. चलिए फिर भी फ़ोन को बाहर निकालते हैं. होप सो वर्क करना चाहिए. वाओ, काफ़ी कोल्ड फ़ोन है. फ़ोन को मैंने प्रॉपरली क्लीन कर दिया है. चलिए टर्न ऑन करते हैं क्या होता है फ़ोन के साथ. यानी कि 12 आवर्स से ज़्यादा भी अगर हो जाए तो भी फ़ोन प्रॉपरली वर्क करना चाहिए. लगता है स्विमिंग सीखनी पड़ेगी इन सब तरह के टेस्ट परफॉर्म करने के लिए. सो एज यू कैन सी गाइज, कोई इश्यूज नहीं दिख रही है फ़ोन में, डिस्प्ले में और कैमरे में भी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है. कहीं भी जरा सा भी कोई मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा. ऑल्सो अबाउट द स्टाइलस, यहाँ पे भी काफ़ी लिक्विड है एंड आई थिंक ये भी सॉर्ट ऑफ IP68 ही है, वर्क करनी चाहिए. स्टाइलस इज वर्किंग. ऑलराइट, लेट्स चेक आउट द अदर फैक्टर्स कि कंस्ट्रक्शन फोन का कैसा है. एल्युमिनियम का फ्रेम दिया गया है, नॉट स्टेनलेस स्टील, इट शुड बी एल्युमिनियम 7000. बटन्स भी एल्युमिनियम के बने, उस पर पेंट जॉब है. क्या बटन बाहर आएंगे? वाओ, यहाँ तो बटन बाहर आ गए. एंड पावर बटन भी, बटन इजीली फिक्स भी जा रहे हैं एंड प्रॉपरली वर्किंग भी हैं. ऑन द टॉप परफेक्टली क्लीन. इन द बॉटम स्पीकर एंड दी सिम ट्रे. सिम ट्रे आउटसाइड से तो मेटल का है बट इनसाइड ये कम्प्लीटली प्लास्टिक है एंड यहाँ पे काफ़ी सॉलिड सी गैसकेट प्रोटेक्शन लगी हुई है. एक्सेलेंट, अगर ये मुड़ जाता है देन काफ़ी स्टर्डी सिम ट्रे है. ह्यूज प्रेशर लगाने के बाद भी बेंड नहीं हो रहा. कैमरे के अराउंड जो रिंग है वहाँ पे ब्लैक पेंट जॉब है. इनसाइड मेटल है, होपफुली एल्युमिनियम. LED फ्लैश का ऑफ कोर्स कोई कटआउट नहीं होगा बिकॉज दिस इज ग्लास. बट द स्टाइलस का जो क्लिक मैकेनिज्म है वो एक्चुअली मेटल का बटन है. ईयरपीस क्लिक की ओपनिंग काफ़ी टाइनी है, मोस्ट लाइकली यहाँ पे नाइफ भी अंदर नहीं जा पाएगी. दैट्स अ गुड डिज़ाइन, स्टिल वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर जो आपको मिल सकता है. गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में ऑन द डिस्प्ले फॉर द प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस यूज किया गया है. प्रीवियस जनरेशन के S21 अल्ट्रा में गोरिल्ला ग्लास विक्टस था. अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो स्टिल इट्स क्वाइट स्टैंडर्ड, जैसा कि मिलना चाहिए. अप टू द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं है. लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं एंड 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन
मेटल ऑब्जेक्ट्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील, निकल, सिल्वर, गोल्ड, यू नो एक्सेट्रा, एल्युमिनियम लाइक, उनसे इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। मूविंग ऑन दी बैक पैनल, यहाँ पे भी क्वाइट फैमिलियर रिजल्ट मिल रहा है, जैसे हमने पहले भी देखा था। इस डिस्प्ले को एंटी फिंगरप्रिंट बनाने के लिए डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया जाता है, कंपनीज डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन कहती हैं लाइक जीजी ग्लास एंड वॉट एवर एक्सेट्रा। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें देन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल 2 टिल द लेवल 7 इस पैनल पे आपको स्क्रैच मार्क्स नजर आएंगे। नाउ अगर हम इसको केयरफुली रब करें देन अब आप केयरफुली इस बैक पैनल को देखेंगे तो यहाँ पे लेवल 3 पे बहुत ही फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस आई मीन ऑलमोस्ट 1 or 2 में देख पा रहा हूँ एंड ऑन द लेवल 4, 5, 6 and 7 पे स्क्रैचेस इजिली विजिबल हैं। ये क्या स्टेनलेस स्टील, दिस वन इज द सिल्वर एंड ये रहा रियल प्योर गोल्ड एंड ये रहा स्टेनलेस स्टील जो कि एक्चुअली लेवल 5 पे आता है। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा बिकॉज बैटरी पंचर हो सकती है, दैट्स व्हाई। एट द मोमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक पैनल पे सभी मेटल ऑब्जेक्ट्स जो हमने स्क्रैच किए ऑलमोस्ट सभी इटसेल्फ स्क्रैच हो चुके हैं। नाउ लेट्स क्लीन इट। जो सॉफ्ट मेटल्स हैं लाइक गोल्ड एंड सिल्वर उससे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्क्रैचेस हैं, बहुत ही माइनर हैं जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे अंटिल आप बहुत ही ब्राइट लाइट में नहीं जाते हैं, बट स्टेनलेस स्टील से आसानी से यहाँ पे स्क्रैचेस दिख रहे हैं। टाइम फॉर दी पेन टेस्ट एंड जहाँ तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ आई बिलीव सैमसंग का एक या दो ही फ़ोन आज तक अमंग्स दी हैंड्रेड जो हमने ट्राई किए, एक का नाम तो मैं जाया गैलेक्सी M42 5G जो कि काफ़ी स्लिम था, वो पेन टेस्ट से फेल हुआ था। अदर देन दैट आज तक कोई फ़ोन ऐसे बेन टेस्ट में फेल नहीं हुआ। सुपर प्रीमियम फोन, सुपर सॉलिड चेसिस। लेट्स ट्राई टू बेंड फ्रॉम द स्क्रीन साइड, हियर वी गो, 3, 2, 1। इम्प्रेसिव कंस्ट्रक्शन, नियर नेग्लिजिबल फ्लेक्स आप कह सकते हैं। नो माइनस अभी फ्लेक्स नहीं है ऑन द फ्रॉम द डिस्प्ले साइड, फ्रॉम द रियर साइड रिजल्ट सेम होना चाहिए। 3, 2, 1। जीरो फ्लेक्स एट ऑल एंड फोन परफेक्टली वर्किंग है। सो दैट्स इट गाइस फॉर द सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। सुपर प्रीमियम फोन है तो सुपर प्रीमियम क्वालिटी आपको एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। एक्सक्लूसिव ड्रॉप टेस्ट करेंगे जस्ट टू चेक दी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस, नॉट इन दिस वीडियो। होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।